हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छी अपडेट आई है उसके बारे में बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब है, तो ये 5 नवंबर से स्टार्ट है, शुक्रवार के दिन से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने की अंतिम तिथि बता देता हूँ आपको, जो अंतिम तिथि 22 नवंबर के है, सोमवार के, यानी रात्रि आप 11:59 तक के भर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो त्रुटि होगा, तो त्रुटि के सुधार के लिए भी दिया गया है 23 से 25 नवंबर तक के, आप त्रुटि जो होगा आपका उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है, प्रवेश पत्र, वो 2 दिसंबर के गुरुवार के दिन तक की प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि संभावित यहां बताया गया है कि 12 दिसंबर के क्या है, 12 दिसंबर रविवार के परीक्षा की तिथि इसमें बताई गई है। एक चीज़ और बता देता हूं, इससे पहले जो सहायक सम परीक्षक का पेपर है और ज्येष्ठ सम परीक्षक का, ये इसका भी एग्ज़ाम संभावित 12 दिसंबर के बताया गया है, तो दोनों एग्ज़ाम क्या है, एक साथ हो सकता है। उसमें भी 5 संभाग दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले इसमें बता देता हूँ कि जो सामान्य वर्ग है उसका 350 रुपये फीस है, उसके बाद OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन का क्या है, 200 रुपये है। अब इसके बारे में ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि आगे और क्या है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें ऑनलाइन जो आवेदन भरने के संबंध में इसमें क्या है, आपको इसका नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क करके जो भी आपकी कन्फ्यूजन से अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जैसे 7747047060609 पर आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद लैंडलाइन नंबर है 07129722878780, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेबस, शैक्षणिक अर्हता देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें शैक्षणिक अर्हता मैं आपको बता देता हूँ, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में से कम एक विषय, यानी ये जितने भी विषय दिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उनमें से एक भी विषय से आप ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए क्या हो रहेंगे, पात्र हो सकते हैं, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कृषि हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान हो गया, गणित, भौतिकी एवं जीव विज्ञान। इसमें आपको बता देता हूँ शारीरिक, जो इसकी शारीरिक दक्षता में क्या क्या बोला गया है, तो ऊँचाई जो है देख सकते हैं आप, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर है, जबकि महिला वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऊंचाई, इसमें क्या है, ST OBC जो है, OBC जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जाति, यानी SC कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर है और महिला के लिए क्या है, 150 सेंटीमीटर हाइट है। उसके बाद ऊंचाई जो ST कैटेगरी के लिए, उसके लिए 152 सेंटीमीटर है और 145 सेंटीमीटर महिला के लिए है। सीना क्या है फ्रेंड, सीना तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना, वो 79 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए कि पुरुषों के लिए सीना बोला गया, महिला लोगों के लिए 74 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना विस्तार कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका क्या बोलते हैं, आपको सीना फुला के दिखाना पड़ेगा, यानी 84 मीटर आपका सीना होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसका शारीरिक क्षमता या परीक्षण में क्या है कि 4 घंटे का पैदल चलना होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर है और महिला के लिए कितना है, तो महिला के लिए 14 किलोमीटर है, 4 घंटे पुरुषों के लिए और महिला के लिए कितना है, महिला के लिए 14 किलोमीटर है महिलाओं के लिए। अब इसमें चयन प्रक्रिया देखते हैं, तो चयन प्रक्रिया से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ फ्रेंड। देखिए, शारीरिक दक्षता में जो पास होगा फ्रेंड्स, उसके बाद उसका क्या होगा, जैसे हाइट वेट नापने के बाद जो इसमें योग्य होगा उसे फिर क्या किया जाएगा, उसे शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम और इसके इन जो उम्मीदवार का जो चयन है लिखित परीक्षा में शारीरिक दक्षता के माध्यम से किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, क्या है, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुना होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, यानी 3 गुना लोगों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और केवल वे उम्मीदवार होंगे जिन्हें क्या है, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में अघोषित किया जाएगा, उसके बाद वे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है, वो शारीरिक परीक्षा के लिए क्या हो गया, प्राप्त होंगे, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इसमें। अब न्यूनतम आयु सीमा देखते हैं, तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 1/1/2021 तक के 21 वर्ष तक से कम और
40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है, 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जितने भी छूट दिए रहते हैं फ्रेंड्स, तो सभी प्रकार के छूटों को मिला के 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है, सभी प्रकार के छूट दिए जाते हैं उन छूटों को मिला के क्या है, 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से छूट है मैं आपको बता देता हूँ। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रिमिलियर का होकर राज्य का मूल निवासी है, यानी राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में क्या है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं, आप क्या है 40 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आप क्या है एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन आप 43 वर्ष या 45 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं आप जैसे 46 साल के हो गए, तो इसलिए अपात्र रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, अपात्र रहेंगे। अब इसमें आपको बता देता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो परिवीक्षा अवधि या प्रोविजनल पीरियड के बारे में बता देता हूँ। 3 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि होगी उसमें क्या किया जाएगा कि पहले जो है आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो 70% पेमेंट दिया जाएगा, फिर उसके बाद 80, फिर 90 और चौथे वर्ष में पूरा पेमेंट दिया जाएगा। और इसी बीच क्या है आपके भत्ते जैसे डीए हो गया या फिर इंक्रीमेंट, ये आपके बढ़ते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो विज्ञापन के तहत दृष्टि छूट आयु शुल्क और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए, सक्षम अधिकारी है वो द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्थायी जाति प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स, इसका पूरा पीडीएफ ये बहुत ही पेज में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बताऊँ इसको भी, तो हमारे टेलीग्राम में जाकर इसका आप पीडीएफ क्या बोलते प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप इसको संपूर्ण डिटेल्स देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका सिलेबस बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, परीक्षा योजना जो है इसका सहायक परियोजना क्षेत्रफल पद के लिए जो इसका सिलेबस है इसको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, व्यापम द्वारा जो है जो 2 चरण में ली जाएगी। प्रथम चरण में व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ली जाएगी, तो प्रथम चरण में क्या है व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण में वन विकास विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वन विभाग द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड चरण में, तो पहले रिटर्न होने के बाद आपको सेकंड में इसका क्या बोलते हैं सेकंड वन विभाग लेगा। तो लिखित परीक्षा जो होगी वो टोटल 150 अंकों की होगी, 150 प्रश्न की होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी टोटल 300 अंक के होंगे। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस बता देता हूँ जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, यानी 60 अंक का। फिर उसके बाद आएगा हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, यानी ग्रामर जो है तीनों का, हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी तीनों का ग्रामर आएगा, जो 30 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक के रहेंगे। क्या है, 30 प्रश्न और 60 अंक के रहेंगे। और उसके बाद बुद्धि परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, यानी इसमें क्या बोल सकते हैं अपन कि जो रीजनिंग का पोजीशन है इसको बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा 30 नंबर का रीजनिंग का पोजीशन आएगा और 60 नंबर का जो है 60 प्रश्न जो है वो 60 प्रश्न किसके आएंगे, तो कृषि वनस्पति शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, वानिकी, भूगर्भिक विज्ञान, गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान से संबंधित रहेंगे। तो टोटल मैं आपको बता चुका हूँ ये 150 प्रश्न रहेंगे और 300 नंबर के रहेंगे। इसमें क्या है 300 नंबर के रहेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, आपको कम से कम जो 33% अंक प्राप्त करना होगा, 33% अंक प्राप्त करना होगा किसको, जनरल कैटेगरी को। लेकिन एसटीआरसी और ओबीसी को क्या है 23% अंक प्राप्त करना होगा। ये सिलेबस के बारे में था फ्रेंड्स। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या क्या आएगा मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये आएगा फ्रेंड्स। मैंने इसका वीडियो बना रखा है जनजाति का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र। उसके बाद क्या है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना तथा लोकोक्तियाँ। उसके बाद क्या होगा छत्तीसगढ़ जनजाति, विशेष परम्पराएँ, तीज त्यौहार। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक झाटा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज्य। पंचायती राज्य भी दिया है फ्रेंड्स इसमें। और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की सामसायिक घटना, ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान होंगे। उसके बाद हिंदी के अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स, तो हिंदी के अंतर्गत बता देता हूँ मैं आपको।
तो इसमें ये बुक भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो हरिराम की हरिराम पटेल की जो जर्नल बुक है छत्तीसगढ़ सामान्य की आपकी, उसको ले लीजिएगा, वो बेस्ट बुक है। और थोड़ी अच्छी से तैयारी करना है तो उसकी हरिराम पटेल की जो बुक है वो, और प्लस उसका जो सॉल्वर पेपर, ये दोनों को कर लीजिएगा तैयारी, बहुत ही अच्छा आपकी एग्ज़ाम में तैयारी हो जाएगी। तो मैंने बुक के बारे में भी बता दिया आपको, उसके बाद क्या बताते हो हिंदी के बारे में, हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़। तो हिंदी के बारे में बता देता हूँ आपको, तो हिंदी में जो है भाषा बोध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुचित शब्दों के अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संघीय और संघी विच्छेद, सामाजिक पद संरचना, समास विग्रह, तत्सम, तद्भव, शब्द शुद्धि एवं यही सब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामांकन, तो ये सब आएगा। और इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स, इंग्लिश के ग्रामर के जैसे हो गए, टेंस हो गए, वोकैबुलरीज हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया, आइडियम्स एंड पीसेस हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एक्टिव स्पेसिव वाइज पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, तो ये सब इंग्लिश के होंगे। तो मैं हिंदी और इंग्लिश का बता देता हूँ। हिंदी के लिए फ्रेंड्स लूसेंट की बुक बेस्ट है, लूसेंट हिंदी की बुक ले लीजिएगा आप, या फिर क्या बोलते हैं हरिराम पटेल की, ये दोनों में से कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, ये बेस्ट है। और उसके बाद इसका सॉल्वर पेपर ले लीजिएगा हरिराम पटेल का, ये बहुत ही अच्छा सॉल्वर पेपर दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ आप बता देता हूँ इंग्लिश के लिए, तो सर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट की ज़बरदस्त बुक है, आप परफेक्ट की इंग्लिश की बुक ले लीजिएगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने बुक के बारे में भी बता दिया है फ्रेंड्स, तो ये बुक के बारे में है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में भी छत्तीसगढ़ हरिराम पटेल से पढ़ लीजिएगा, वो बेस्ट बुक है। तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग का जो मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का, रीजनिंग के लिए फ्रेंड्स आप लोग क्या कर लीजिएगा, दीपक कुमार की बुक ले लीजिएगा, जो परफेक्ट की दीपक कुमार की बुक है वह रीजनिंग के लिए बेस्ट होगी। और उसके बाद जो इसकी गणित के लिए है, तो गणित के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो एचडी यादव की बुक जो है गणित के लिए बेस्ट बुक है। एचडी यादव कौन सी, एचडी यादव या शारदा पब्लिकेशन बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान एवं गणित एवं भौतिकी विज्ञान, तो ये सबसे भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, इस सबसे भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो जैसे कृषि से भी संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये जो है विज्ञान का पोजीशन वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो विज्ञान की अच्छे से तैयारी कीजिएगा फ्रेंड्स, और विज्ञान से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो ये विज्ञान का जो सिलेबस होगा मैंने टेलीग्राम में दे रखा है फ्रेंड्स, अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।